हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने क्या किया वो मैं आगे बता रही हूँ आप सबको, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है ना मेरा किचन, ऐसा ऐसा। अरे, इसकी बहुत कंडीशन ख़राब थी, ये देखिए अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसकी ना बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ दूध के बर्तन वगैरह जो भी है सारे, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं था, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं आगे आपको बताऊँगी, तो ठीक है। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट व्लॉग मेरा कल आएगा, अभी के बाद का ब्लॉग जो कल आएगा, तो ठीक है, फिर देखते रहिए आप। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगते हैं मेरे वीडियो, और कैसे किस तरह के आप देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर उस तरह की डालने की कोशिश करूँगी। तो ये देख लीजिए आप, पहले यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये है मेरा थोड़ा सा किचन। मैं आपको बैक कमरा से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये थी मेरी किचन की हालत, देख सकते हैं आप। बहुत बुरे हाल थे यार, मेरी उंगली कटी थी ना, उसकी वजह से मेरा सारा काम पेंडिंग पड़ गया, तब भी मुझे इतना टाइम लगा आई, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कर दिया था। बाद में तो कुछ ऐसी लगी थी, अच्छा किचन लग गया था थोड़ा सा ही अच्छा, ऐसे होते हैं हमारे गांव के किचन, मेरा तो ऐसा ही है औरों का पता नहीं। अरे, यहाँ पे खा रहे हम लगे खाना खाने, बच्चों को भूख लगी थी, और थोड़ा सा मैंने फटाफट जो है साफ़ सफाई करके, उसके बाद मैंने आज मैंने शाम की दाल थी बची हुई ना, वही उसमें ही तुड़का लगाया था और वही खा ली थी हम सब ने। तो ऐसे हम ज़मीन पे बैठ के हम खाना खाते हैं, और हमारे हिमाचल में मैक्सिमम लोग ऐसे ही खाते हैं खाना। तो इनको नहीं था पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ये नहीं आते। मैं इन्होंने बोला कि कैमरा ऑन है, मैं कहा नहीं ऐसे ही मैंने ट्राई, इन्होंने देखा ना कि ट्राईपोड पे रखा है फ़ोन मम्मी ने, तो मैंने बोला नहीं ऐसे ही ये वीडियो नहीं बन रही है ऐसे ही है। तो तब देख रहे थे कि ऐसे इन्होंने सामने नहीं आना था, तो गलती से मैंने इनका वीडियो बना दिया फटाफट, ये नहीं बनाते, नहीं देते बनाने ऐसे। तो और आज छोटे वाला बेटा थोड़ा सा कुछ बीमार है, कल देखती हूँ उसको दवाई को भी ले जाना पड़ेगा, अभी सोच रही हूँ। और पूरा वीडियो देखिएगा, अभी आगे भी आपको बहुत कुछ है देखने को, स्किप मत करना, अगर सोच रहे हो ना स्किप करोगे, स्किप मत करना प्लीज़, देख लो यार थोड़ी देर का है। और फिर मैंने सारा काम निपटा के फटाफट, क्योंकि रात के खाना जो बनना था, फिर उससे पहले भी जो है चूल्हे को लिपना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने फटाफट जो है चूल्हे को लिपा। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल कष्ट नहीं दिया कि ज़्यादा लंबा देखना पड़ेगा वीडियो, तो 10-15 मिनट तो चूल्हे को लिपने में लगे, तो उसको मैंने फास्ट कर दिया, दिखाया भी पूरा और फास्ट भी कर दिया, कि ऐसे ऐसे फटाफट चूल्हे के बुरे हाल हो जाते हैं यार, रोज़ ही जैसे ही करना पड़ता है ना। और बाकी मेरा कल आएगा ब्लॉग, अभी के बाद का जो ब्लॉग आएगा वो कल आएगा, और ये तो मैंने आज कुछ भी, अगर आज ही डालती मैं शाम को तो बहुत लंबा ब्लॉग बन जाता। सो गाइस, अगर न्यू हो तो प्लीज़, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो ना अभी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ में रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको कर दो ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। तो ऐसे जो है पहले मिट्टी से चारों तरफ से, बहुत अच्छा लगता है यार जब चूल्हे को लिपने के बाद जब हम खाना बनाते हैं ना, तो बहुत ही एक मन को शांति जैसी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो है हम खाना बनाएंगे, अभी देखती हूँ शाम के टाइम जगह को जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, सोच रही हूँ भी। और उंगली ने बड़ा परेशान किया यार, इस उंगली वीडियो पर उंगली उंगली नाचा है मेरी, और काफ़ी सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं यार मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। आज ही एक तो मेरे बहुत एक तो आज ही है, ये कुनिहार से हैं एक लड़की कोमल,
और एक ऋचा है, तो नज़दीक से ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कोई हमारे काम को पसंद कर रहा है ना, उस चीज़ की बहुत खुशी होती है गाइस, आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। अगर हम घर में रहते, अगर नहीं ये वीडियोस बनाते या चैनल पे नहीं जाते तो कैसे हम आप लोगों से मिल पाते, इतने लोगों से मुलाकात। ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म हो जानी यार, घर में ही ज़िंदगी जो है छोटी सी है, घर तक ही रह जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिल के, आपके कमेंट्स पढ़ के ना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है रिप्लाई करने में, उनको पढ़ने में। और यहाँ पे मैं फटाफट फटाफट आटा छान रही हूँ। ये जो आटा होता है ना, ये गेहूँ का और चावल का मिक्स होता है, इससे जो दिवाली को हमारे ये मनाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा वो होता है हमारे की। अगर दिवाली मनानी है किसने, अगर किसी के घर में डेथ ना हुई हो, जैसे होता है ना या रिश्तेदारी में, तभी हम दिवाली मनाते हैं, या गाँव में भी, तो अदरवाइज़ हम नहीं मनाते। तो ये इसका जो बहुत मेन होता है, जो ये हम बनाते हैं ना, या तवे पे बना लो या चौंसी पे बना लो, चौंसी बोलते हैं हमारे जो मिट्टी की होती है, आजकल तो एलुमिनियम की आ गई दुकानों में। ये आटा मैंने अपने आटा मेकर में पीसा था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, चावल पीसे थे और गेहूँ का जो था वो घर में वो पीसा था मैंने, फिर उनको जो है हम ऐसे अच्छी तरह से घोल लेते हैं उस आटे को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं घोल रही हूँ आटा, इसको घोलने में काफ़ी देर लगती है और थोड़ी देर पहले घोलना पड़ता है। अभी मैं इसको जो एक घंटा बाद जो बनाना शुरू करूँगी, उतने को मैं जो है नहा लूँगी, तैयार तैयार तो क्या मतलब, वैसे बालों में कंघी वगैरह कर लूँगी, सुबह से ही बहुत नहीं बनी हूँ देखो, तो अभी तक कुछ नहीं, इसको रख दूँगी वैसे ना घोल के, तो फिर बाद में ना इसमें अच्छी जो है सॉफ्ट हो जाता है बढ़िया, तो फिर अब मैं नहाने जाऊंगी इसके बाद, और फिर तभी मिलती हूँ आपसे। ये देखिए ये हो चुका है, ये यहाँ पे भी मैंने फास्ट रखा है थोड़ा, ये हो चुका है, ऐसा बन जाना है। अब इसको मैं रख दूँगी घोलने के बाद, ऐसा हो जाएगा ना, अब इसको मैं रख दूँगी साइड में, फिर मैं जाऊँगी नहाने। और अभी मैं जस्ट नहा के निकली अभी अभी, और पता है अभी बस अभी इसके बाद थोड़ा सा तैयार हो लूँ, तैयार तो क्या होना, बस ऐसे बिंदी और वो लगा लूँ सिंदूर, वैसे इतना ज़्यादा तैयार नहीं मैं होती, तो अभी बहुत काम है करने को गाइस, सॉरी। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लूँ, तो आज धूप है, बहुत अच्छी धूप आ रही है आज, बुरी लगती है ना बिना बिंदी की औरत। मैं अभी मिलती हूँ आपसे जस्ट थोड़ी देर। तो अब मैं आपको बताऊँगी हमारा जो यहाँ का जो होता है ना दिवाली का, हिमाचल में मैक्सिमम घरों में आपको देखने को मिलेगा यही चीज़, पर उतना तो नहीं, उतना तो हम जो सिंपल बना रहे हैं, एक दूसरी होती है वो मिट्टी की होती है, उसमें जो है ऐसे छोटे छोटे क्या बोलते हैं उनको, खारू नहीं मतलब बोलते तो उन पाइप वोकर जो होती है वो मिट्टी की च्वाइस ही बोलते हैं उसको ना, उसमें छोटे छोटे खारू ऐसे छेद छोटे छोटे ऐसे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मिट्टी की होती है, जानते होंगे शायद कई जगह पे, पर इसको ऐसे जाते हैं पहले तेल के तवे के ऊपर ये करके, और फिर उसके बाद जो है कई लोग हाथों से करते हैं, और कई लोग जो है कोई पत्ता वगैरह रख लेते हैं उससे भी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आटा है ना, ये गेहूं का और चावल का होता है मिक्स, हमारे दिवाली का ये होता है यहाँ पे, जो दिवाली का होता है ना वो ये होता है, उसमें जो चावल का आटा पीसा था मैंने और गेहूं का आटा तो था, तो वो करके वो था, तो ऐसे हमारे जो उसको ये करते हैं, चूल्हा काला हो गया काफ़ी देर से, आग बुझ जली है, अभी मैंने लिपा था आपके सामने ही, जैसे काफ़ी देर से इसमें आग जली है, तो ब्लैक तो आप देख सकते हैं, बहुत टाइम लगा, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब यही लगी हूँ मैं किचन में और मैं कुछ काम नहीं किया, यही हो रहा है आज तो। और फिर उसको जो है ऐसे जो है ऐसे ये करके, और ये मैंने देखो काफी बना दिए यहाँ पे, ये देखो ऐसे बनते हैं, ये देखो ऐसे बनते हैं ये, और इसको फिर खाते हैं घी शक्कर दाल और दूध के साथ, तो ठीक है फिर
आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अभी जो है टाइम 3 बजे हैं, शायद 3 बजे के बाद का जो भी ब्लॉग आएगा वो कल आएगा वीडियो, और प्लीज़ ज़रूर देखना, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, कमेंट करें, अभी ऐसी याद तो बोलने की, और हिमाचलियों के लिए विशेष बोलना चाहूँगी अपनी भाषा में, भाई चॉइस ही थी नहीं मांगे तो चॉइस से टूटी बुरी माटी कर से फिर नवी में ले आई नहीं फिर मैं पटवांडे बनाई दूँ तुझे जानू होना है ना पटवांडे बनू ये पटवांडे चावल रैक्टर तुझ तो अच्छी तरह जानू हो ठीक है, बाकी और जो पता नहीं यहाँ तो बाकी ये होता है हमारे यहाँ का मेन, बाकी रात को शाम को रात को लक्ष्मी का पूजन होगा, रंगोली बनाएंगे और बहुत बहुत कुछ होगा, खीर बनाएंगे और भी बनाएंगे कुछ, वो कल आएगा तो अभी का अगर मैं कल ही इकट्ठा डालती या आज ही डाल देती तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे ऐड कर रही हूँ, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और क्या बोलूँ, ये जो और होती रहा है भूल जाती मैं बोलते बोलते, क्योंकि कैमरा मिस करना थोड़ा दिक्कत होती है हमारे को, यही होती है हमारी पहाड़ी दिवाली, और लोग मतलब ऐसे ही होता है, बाकी कल आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने बच्चों हर सबके साथ खुशी से रहिए, और अगर किसी के प्रति कोई नफरत है ना मन में, अगर कोई शिकायत है तो उसको दूर कर दीजिए यार, नफरत से कुछ नहीं बनता पता है, नफरत से थोड़े दिन की ज़िंदगी है ना, फिर हमने चले जाना है, फिर क्या फ़ायदा किसी नफरत करके, तो किसी से नफरत मत करो, सबसे प्यार कीजिए, और ये इसको 2-3 बार ऐसे उल्टा पुलटा करके जो ये हो जाता है, तो यहीं पे मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, बहुत लंबा बन जाएगा, अभी भी बहुत लंबा बन जाएगा, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली, मेरे न्यू सब्सक्राइबर को हैप्पी दिवाली, और सभी धर्मों के लोगों को हैप्पी दिवाली, जो भी हैं जय माता दी।